हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अटेस्टेशन फॉर्म जो कि एएलपी जो या फिर ग्रुप डी के जॉब से रिगार्डिंग है, तो जिनकी जिनकी ज्वाइनिंग आई हुई है, जिस जो उनसे भी ज्वाइनिंग आई है, तो उनके सर ऑलमोस्ट सबकी प्रोसेस सेम है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो भी होनी है सबकी ऑलमोस्ट सेम है। तो जिसमें से एक मेन है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल देनी है, वो सारी डिटेल हम आज देखेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में बताया था। इंडेमनिटी बॉन्ड में जो जो प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, वो सारी मैंने शॉर्ट आउट की थी और उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है। जिनको जो दिक्कत थी उन्होंने मेरे को कमेंट करके पूछा, तो मैं आपको कहूँगा जो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं। अगर आपको फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं इस फॉर्म में। ये इनक्लोजर जो है, ये इनक्लोजर है करीब आज से 10-15 दिन पहले का, जो कि बेंगलोर जोन के हुबली डिवीज़न के थ्रू आया हुआ था। तो वहाँ से मैंने ये उठाया है, ठीक है। आइए देखते हैं ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है। सबसे पहले इसमें वार्निंग लिखी हुई है 1, 2, 3 करके। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ वार्निंग में क्या लिखा हुआ। वार्निंग में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है या फिर आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, इन केस अगर ये पाया गया कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाई है, जो कि कोई भी छुपाना नहीं चाहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेम इन फुल ब्लॉक लेटर। तो अपना नाम लिखना है, नाम सरनेम से स्टार्ट करना है, सरनेम देन नेम, ठीक है। सरनेम के नीचे आपका सरनेम जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी आप सरनेम लगाते हैं। अगर आप सरनेम कोई नहीं लगाते, आप कुमार लिखते हैं, तो आप कुमार लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है जहाँ पे आप करंटली बिल्कुल रह रहे हैं। हो सकता है कई लोगों के दो एड्रेस होते हैं, एक कहीं और परमानेंट होता है, एक होता है रेसिडेंटियल जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस डालना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होम एड्रेस डालना है। होम एड्रेस वही जो परमानेंट एड्रेस होता है, जहाँ पे आपका परमानेंट निवास होता है, ठीक है। तो एड्रेस का फॉर्मेट जैसे भी दे रखा है, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट, ठीक है, हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट, रोड, जो भी डिटेल है वैसा फिल करेंगे। थर्ड में एक बी पार्ट दे रखा है कि अगर आप पाकिस्तान के रेसिडेंट हैं, तो वहाँ पे अपनी डिटेल भरिए, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ना के बराबर होगा कोई पाकिस्तान का, ठीक है, तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ नंबर पर दे रखा है कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर, जैसे आपके रेसिडेंस अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ समय से, आप पिछले 5 सालों में मेनली देखा, इसमें लिखा हुआ है पिछले 5 सालों में, मान लीजिए आज से करीब 2014 से लेकर 2019 के बीच में आपके रेसिडेंस बदले हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं रेंट पे रहते हैं, स्टेट वाइज बदले हुए हैं। सपोज़ आप कहीं पहले दिल्ली में रहते हैं, फिर आप हरियाणा में रहने लगे, फिर आप उत्तर प्रदेश में रहने लगे। अगर पिछले 5 साल के बीच में आपका एड्रेस चेंज हुआ है, तो उसका विवरण यहाँ पर देना है, ठीक है। फ्रॉम में कब से टू में कब तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2014 से 2015 तक आप दिल्ली में रहे, ठीक है, तो वहाँ का एड्रेस। फॉर एग्जांपल आप 2016 से लेकर 2017 तक आप हरियाणा में रहे, आप मुंबई में रहे, कहीं पे भी रहे, उस तरह से आपको इसमें विवरण देना है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो 5 नंबर पे देखेंगे कि आपकी फैमिली डिटेल पूछी हुई है। फादर का फुल नेम, नेशनैलिटी, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। एग्जाम्पल के तौर जो भी आपका फादर का नाम है, नेशनैलिटी इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे भी उनके जन्म स्थान हुआ है, जन्म स्थान है जहाँ पे जन्म हुआ है, ऑक्यूपेशन प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस जो भी करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी वो रहते हैं, और परमानेंट एड्रेस या फिर जहाँ से वो परमानेंटली बिलोंग करते हैं। सिमिलरली मदर की उसमें लिखनी डिटेल, वाइफ और हस्बैंड, अगर आप कोई लेडीज़ हैं, तो आपको एक विवरण देना होगा, अगर आप शादीशुदा हैं, कि आपका जो हस्बैंड है उनकी डिटेल क्या है, और अगर आप जेंट्स हैं और शादीशुदा हैं, तो आपको अपनी उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अपनी वाइफ की, ठीक है। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर की डिटेल देनी पड़ेगी, इसमें कॉलम 4 तक दिए हुए हैं, तो अगर ब्रदर हैं आपके 4 तक तो दे सकते हैं, या सिस्टर हैं जो भी हैं, 1, 2 करके जो भी हैं करके, इसमें मतलब आप अपने सिबलिंग्स के 8 लोगों के नाम लिख सकते हैं सिबलिंग्स के, ब्रदर सिस्टर को जोड़ के, ठीक है। कंटिन्यू 3 पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज पे दे रखा है अब अगर आपका कोई भी जो ये ए पार्ट है, इसमें अगर लिखा हुआ कि आपका कोई भी सन या डॉटर फॉरेन में पढ़ाई करता है,
ठीक है, तो उसके उसकी डिटेल देनी है, ठीक है, पढ़ाई करता है या फिर रहता है, तो उसकी डिटेल देनी है। फिर अपने बारे में नेशनैलिटी क्या है, इंडियन, डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज जो भी प्रेजेंट एज है, एज एट मैट्रिकुलेशन यानी कि आप जब टेंथ कर रहे थे उस समय क्या एज थी। उसके बाद एट्थ में देखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि आपका प्लेस है आपका प्लेस है कोई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर लिए हमने हरियाणा, फरीदाबाद ले लिया मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैंने फरीदाबाद ले लिया, ठीक है। फरीदाबाद में आपका डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट आपका फरीदाबाद ही है, और स्टेट क्या होगा, स्टेट आपका हरियाणा होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे बताया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप परमानेंटली कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, यानी किस जगह से आपके फादर बिलोंग करते हैं, वो विवरण देना है। उसके बाद नाइन्थ पे देखेंगे योर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी के मेंबर हैं तो येस और नो लिखेंगे। उसके बाद टेंथ पे देखेंगे आपकी पूरी एजुकेशनल डिटेल देनी है, अप टू, मतलब अप टू ग्रेजुएशन फ्रॉम टेंथ ऑनवर्ड, ठीक है, दसवीं से लेके, 15 साल बाद लिखा हुआ है इसमें, दसवीं से लेके आप स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि मैक्सिमम 15 और 16 के बीच में आप टेंथ में होते हैं, दसवीं से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुएशन तक आप अपनी डिटेल देंगे। उसके बाद 11 में दे रखा है कि अगर आप इससे पहले कहीं एम्प्लॉयड थे, अगर आप कहीं पे भी एम्प्लॉयड थे, जो जो इसमें दे रखा है, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, क्वासी गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग, PSUs या फिर प्राइवेट फर्म, ठीक है, इस तरह का कहीं पे भी आप काम करते थे उसकी डिटेल देंगे, कब से कब तक काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, कितनी सैलरी थी, नेचर ऑफ वर्क क्या था आपका, उसका एड्रेस फुल, ठीक है, ये डिटेल देनी है। और उसके बाद 11 का बी है, बी 11 का कोई भरने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, ये मेनली मैं आपको बता दूं, मेनली जो होता है ये होता है अगर आप इससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 12 नंबर पाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इसमें भरना, किसी प्रकार की जानकारी कोई छुपाई नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट ए लिखा हुआ, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी अरेस्ट किए गए हैं, ठीक है, कभी आप पुलिस कस्टडी में लिया गए हैं, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर फाइन लगा हुआ है, कोर्ट में गए हैं, किसी भी प्रकार का फाइन, इवन ये भी समझ लीजिए कि आपको अगर चालान भी हुआ है, आपको कोर्ट जाना पड़ा है, कोर्ट से आपको अपना कागज छुड़वाने पड़े हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस या RC इस तरह का भी है, तो आप उसके लिए यहाँ पे इसका डिटेल दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे छुपाना नहीं है। किसी एग्जामिनेशन से बाहर करे गए हैं या कहीं किसी इससे पहले रेलवे में कभी अप्लाई किया हो, आपको ट्रेनिंग से या किसी भी टाइम से जॉब से डिस्क्वालीफाइड कर दिया हो, निकाल दिया गया हो, ठीक है, तो इस तरह की सारी डिटेल आपको देनी है। और मैक्सिमम केस में देखा गया है कि इसमें कोई किसी के ऊपर इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई होती है, किसी प्रकार कोई FIR नहीं हुई होती है, बट मैं कुछ परसेंट अगर मान भी लूँ, 2-3%, तो अगर कोई ऐसा है तो उसमें डिटेल दे देनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद यही लिखा है कि अब 13 नंबर पे आते हैं, तो 13 नंबर पे दो ऐसे आपको अपने लोकल रिस्पॉन्सिबल पर्सन या एज ए विटनेस देने हैं, जो आपके आसपास रहते हों, जहाँ पे भी आपका रेजिडेंशियल एरिया है, आप जहाँ रहते हों, और उसके आसपास जो भी आपको दो लोग ऐसे देने हैं जो अच्छे से आपको जानते हों और आपके बारे में अच्छा से बता सकें, क्योंकि जब भी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो पुलिस जब आएगी तो आपके आसपास के लोगों से पूछेगी, क्योंकि उनके पास भी डिटेल आएगी, तो उन लोगों से भी पूछेगी जो आपको जानते होंगे और उन लोगों से भी पूछेगी जो आपको नहीं भी जानते होंगे। तो ये यहाँ पे दो लोगों का नाम दे देना है, उसके बाद अपने साइन, प्लेस एंड फुल एड्रेस डाल के ये मैटर फिनिश हो जाएगा। अब जान लेते हैं, कहीं भी किसी किसी डिवीज़न में 2 कॉपी 3 कॉपी या ऐसे करके मांगा होगा, तो देखिए क्या करना है। जहाँ 3 कॉपी मांगा है आप 3 सेट निकाल लीजिए, मतलब प्रिंट आउट करके, 6 पेज का एक सेट है, तीनों को भर के उसमें सेम डिटेल भरनी है और उसमें अपने साइन कर दीजिए। 2 कॉपी बोला तो 2 कॉपी निकाल लीजिए, फोटोकॉपी मत कराइएगा, क्योंकि हो सकता है फोटोकॉपी चले या ना चले, मैं ये नहीं कहता कि नहीं चलेगी, बट रिस्क लेने वाली बात है, इसलिए ज़रूरी नहीं है आपकी कि आप वहाँ जाके रिस्क लें, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी थी कि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो पहला बैच है जिसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 16/8/2019 से, बेंगलोर की बात कर रहा हूँ मैं, बेंगलोर जोन के लिए स्पेशल बात कर रहा हूँ, बेंगलोर जोन से जिसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी बेंगलोर में 16/8 को, तो मैंने एक वीडियो बना के डाली है और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है जहाँ लिंक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो भी उस ट्रेनिंग में है,
उनको मेल आई होगी और तो वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो भी आप कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए हो। ठीक है, तो थैंक यू।